जहां तक वर्तमान में कोरोना के संबंध में अपने प्रदेश की स्थिति है, हमें अभी भी अपने प्रदेश पर यहाँ के व्यक्तियों, यहाँ की संस्थाओं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब के ऊपर गर्व है कि मूल रूप से हरियाणा में बचाव हुआ है, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हुई जिसके कारण से आज का हमारा आंकड़ा वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। इस आंकड़े की यदि मैं चर्चा करूँ तो आज कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 364 हो गई है और इसमें 241 लोग वो स्वस्थ हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। आज पॉजिटिव जो संख्या शेष बची है जिनका इलाज चल रहा है वो 124 लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 4 लोग अपनी जान खो बैठे हैं। इनमें उल्लेखनीय बात, जैसा हमको पहले से पता है, 3 फैक्टर ऐसे हुए हैं जिससे हमें चिंता है। एक जो जमात के लोग, तबलीगी लोग थे, उनकी बड़ी संख्या हमारे इन पॉजिटिव केसेस में आई। और दूसरा जो चिंताजनक स्थिति वो बनी कि दिल्ली में काम करने वाले लोग जो हरियाणा में प्रतिदिन आते जाते थे दैनिक यात्री के रूप में या व्यवसाय के रूप में, उनको भी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया, वो भी एक बड़ी संख्या है। क्योंकि दुखद स्थिति है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के नाते भी एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग पॉजिटिव हो गए हैं। वहाँ 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा के जिले लगते हैं, उन जिलों में चाहे वो सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है, ये संख्या अधिक मात्रा में बढ़ी। एक तीसरा फैक्टर और जो ध्यान में आ रहा है, भले संख्या उसकी ज़्यादा हरियाणा में तो नहीं है लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी संख्या पाई गई है कि नांदेड़ से जो आए हुए तीर्थयात्री, उनमें भी बड़ी संख्या में और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में भी उनमें से कुछ लोग डबवाली सिरसा में कल ही आए थे, 2 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए, बाकियों के टेस्ट अभी होगा, उसका रिजल्ट अभी आना शेष है। यदि ये घटनाएं न होती तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। फिर भी आज हम बाकी प्रांतों की अपेक्षा स्थिति हमारी ठीक है। हमारे यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में एकत्र रहेंगे और हमारी जितनी सेवाएं सर्विसेज हैं वो भी डट करके जुटे हैं। हम सब लोगों को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि ये बात कहीं आगे न बढ़ जाए।